रीड 2022 को लेकर, जो कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ कब आएगी आपने देख लिया होगा कि अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह के लिए, जैसे कोई अपडेट होगी मैं जरूर इस पे ट्वीट कर दूंगा। लेकिन एक पक्ष कह रहा है रीट लेवल 2 बहाल हो, जो बहाल के लिए बैठे हैं, मैं आपकी भावना समझता हूं, आप गलत नहीं हो, आपने पढ़ाई की है, तैयारी किया, आप सही हो। लेकिन एक तरफ रीट लेवल फर्स्ट में कह रहे हैं रद्द करो, तो आप, मुझे पता है आप ट्वीट करते हो, पता है सारी चीज, मुझे पता है आप कह रहे हो उपेन यादव संख्या का साथ देता है, उपेन यादव कम लोगों का साथ नहीं देता। यार आप बता दीजिए मैं किसका साथ दूं, एक रद्द कराने वाला, एक बहाल कराने वाले, दो पक्ष बने हुए हैं। मैंने अभी तक रीट लेवल 1 में ये भी नहीं कहा इनको ज्वाइनिंग दो, नहीं बोलूंगा, न मैंने रद्द के लिए कहा ना बहाल के लिए कहा, मुझे बख्शो यार। रीट लेवल 2 में वेटेज कितना था उसको कम करवाया, किसने साथ दिया, मैंने हर जगह आप लोगों का साथ दिया है। लेकिन आपस में आपको पता है कि सरकार में रीट लेवल 2 के जो बहाल वाले हैं, मैं आपको बता दूं, जब सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने रद्द की है तो मुझे नहीं लगता वो बहाल करेंगे। आप बहाल की उम्मीद करो न्यायालय से, न्यायालय ने नोटिस दिया है, पूछा है, तो शायद न्यायालय इस पे कुछ कर पाए, न्यायालय न्याय करता है, तो न्यायालय से आप उम्मीद रखिए। मैं आपके साथ धरने पे जाकर बैठ जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार का फैसला है। तो अब न्यायालय को इसमें अंतिम करना, लेकिन मुझे बीच में मत लीजिए, कुछ चाहते हैं रद्द हो कुछ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। लेकिन ये जरूर है कि देखो मैं आपकी भावना समझता हूँ, जो पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ, 16.5 लाख बेरोजगार खून के आंसू रो रहे हैं, आज 3-3 साल में कैसे भर्ती प्रक्रिया की एग्जाम हुई थी, और अब ये लोग फिर से तैयारी में जुट गए पागलों जैसे, कि अब ये भी पता नहीं कि रीट का सेकंड एग्जाम का सिलेबस कब होगा, 2 एग्जाम कब तक पूरी हो पाएंगे, सब लोग बहुत परेशान, उनके परिजन परेशान है, तो उनकी पीड़ा मैं समझता हूँ। लेकिन मैं उसका सिलेबस, सेकंड एग्जाम की परीक्षा थी, सबके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। हाँ नहीं, फर्स्ट के सेकंड ग्रेड के लिए मैं आपके लिए बोल चुका हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ यार, कब आएगी विज्ञप्ति, कब एग्जाम होगी, फिर ये चीजें होती है, मैं धरने भी क्यों बैठता, आप लोगों के लिए, इन सबके लिए तो धरने पे बैठा जाके, मैंने फेसबुक पे मांग पत्र डाल दिया था, क्या क्या था वो, इन सब मांगों के लिए मैं उनके घर पे बैठा था इसलिए, और अभी प्रयास कर रहा हूँ, दोबारा बैठना पड़ेगा फिर बैठूंगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्द से जल्द आप लोगों के लिए। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें वर्तमान में भर्तियां काफी आ रही हैं, क्योंकि लट लेके मैं पीछे पड़ा देता हूँ आप लोगों के लिए यार, दुश्मन मैं बना रहा हूँ, सारे राजनेता उपेन यादव को देखिए, अब स्थिति ये होगी, मैं सिविल लाइन्स के पास जाता हूँ ना, वहाँ पुलिस वाले पीछे लग जाते, साथ और जाते, और जब तक मैं किसी नेता से मिलकर नहीं आता हूँ, जब तक मेरे पीछे रहते हैं, फिर मुझे कहते जाओ, वो पता नहीं मुझे आतंकवादी जैसे देखने लगे, ऐसे देखने की क्या क्या स्थिति है, कहाँ बैठ जाएगा, तो पुलिस वाले पीछे पीछे लगने लगे। लेकिन ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ।